नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राज। बताइए, शुरुआत करते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल के थाना हनुमानगंज में एक बुजुर्ग महिला के साथ दो अज्ञात व्यक्ति द्वारा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एक बुजुर्ग महिला सूरजबाई साहू, उम्र 70 साल, निवासी छोला दशहरा मैदान के पीछे प्रेमनगर कॉलोनी थाना छोला में रहती हूँ तथा बिनू सेठ की दुकान जुमराती में सुपारी काटने का काम करती हूँ। दिनांक 19/1/2023 की सुबह करीब 11:15 की बात है, दुकान पर काम करने पहुंची तो दुकान का शटर बंद था, वही सामने बैठ गई। तभी तो दुबले पतले लड़के जिन्होंने पेंट शर्ट पहन रखी थी मेरे पास आए, बोले कि हमारे पास रुमाल के अंदर 4 लाख रुपये रखे हैं। अगर आप अपने पहने हुए सोने का मंगलसूत्र, कान के टॉप्स व चांदी के पैरों की पायल हमें दे देंगे तो यहाँ 4 लाख जो रुमाल में रखे हुए हैं हम आपको दे देंगे। उनकी बातों में झांसे में आ गई और अपना सोने का मंगलसूत्र एवं जेवरात मैंने उनको दे दिया। इस तरह से मेरे साथ धोखा हुआ है। वही उप निरीक्षक पवन सिंह का कहना है कि फरियादी के तरफ से 420 का अपराध पंजीवत कायम कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी की तलाश जारी है। केकेआर न्यूज के लिए भोपाल से संवाददाता रईस खान की रिपोर्ट। हनुमानगंज थाना क्षेत्र में 420 का मामला है, ये पूरा क्या मामला है? एक सूरज बाई नामक छोला थाना क्षेत्र की रहने वाली 70 वर्षीय महिला है, जिनके साथ जुमेराती में धोखाधड़ी की घटना कायम करके जो है उनके जेवरात लिए गए हैं। दो अज्ञात बदमाशों के द्वारा एक कागज का बंडल कागज कपड़े में लपेट कर उनको बताया गया कि 4 लाख रुपए हैं और इसके बदले में उनसे जो है महिला के जेवर जो है मांगे गए और महिला ने लालच में आके जो है कि 4 लाख रुपए के बदले में जेवर देना, तो उस लालच में आके महिला ने अपने मंगलसूत्र, कान के टॉप्स और जो पायल पहने हुई थी पैर में वो उतार के वो दोनों जो अज्ञात बदमाश थे उनको दी। जांच के दौरान क्या पता चला? महिला के द्वारा लालच में आके जो है धोखाधड़ी की शिकार हुई है और अभी संबंध में और महिला से पूछताछ की जा रही है कि उनके हुलिया वगैरह क्या था, क्योंकि महिला काफी वृद्ध है तो वो ज्यादा कुछ अभी नहीं बता पा रही है। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।